तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि डार्क वेब आपके लिए क्यों खतरनाक हो सकता है। आपको कभी जिंदगी में उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मेरे को बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं और है ना, मतलब मेरे को लोग पकड़ के बोलते हैं कि फुरकान आप डार्क वेब के बारे में बताओ कि हम लोग उसमें कैसा जावे और उसमें कोई चीज खरीदना है तो कैसा खरीद सकते हैं। तो पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि डार्क वेब बच्चे लोग का खेल नहीं है जाने का। बड़े बड़े आईटी लोग नहीं जा पा रहे उसके अंदर, तो आप लोग कैसे जाएंगे। मैं खुद आईटी किया हूँ, मैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया हूँ, तो मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है इसके अंदर। लेकिन मैं भी एक बार गया था तो मतलब वो आप समझ ही नहीं पाएंगे, मैं खुद नहीं समझ पा रहा था। लेकिन मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हूँ, मेरे को मालूम पड़ा है कि क्या क्या होता है इसके अंदर। अगर आप पेरेंट्स हो या आप कोई पर्सन हो जो नीचे कमेंट करेंगे और बोलेंगे फुरकान आपने बता दी ये सब चीज़ें डार्क वेब पे होती है, अब मेरा बच्चा चले जाएगा उस पर, भाई मैं नहीं जा पा रहा हूँ, इतना बड़ा आईटी का गाय हो के, तो आपका बच्चा कैसे जाएगा उस पर। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है उसके अंदर और क्या, अगर आप गलती से चले गए उधर तो आपको नहीं जाना चाहिए, आपको निकल जाना चाहिए। तो पूरी वीडियो देखना, एक भी मिनट स्किप करेंगे तो आपको मतलब समझ ही नहीं आएगा। तो पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डार्क वेब होता क्या है। तो डार्क वेब पे क्या है, मतलब जैसा मतलब इलीगल चीज़ें है वो सब बिकती है, और है ना मतलब डार्क साइड ऑफ इंटरनेट है। अभी आप कैसा होता है, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं आपको एक से एक चीज़ मिल जाती है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, आपको जो भी चीज़ चाहिए वो मिल जाती है। अभी डार्क वेब पे ना उसका उल्टा होता है, आप जो भी सर्च करते हैं ना तो आपको मिल तो जाता है मगर वो सब चीज़ें इलीगल रहती है। जैसे बहुत कार्डिंग गेम्स मिलती है, अभी है ना अगर आप पबजी खेल रहे हो तो कितने जन कैसा होता है, मैंने मैं बोलते हैं ना कि पबजी का यूसी पास चाहिए या बीजीएमआई का यूसी पास चाहिए, तो अगर आपको 1000 रुपये में मिल रहा है तो मैं 200 रुपये में दूंगा। तो एक्चुअली उन लोग क्या करते हैं, उन लोग है ना ये डार्क वेब पे जाते हैं, डार्क वेब पे ना सब है ना हैकिंग की चीज़ रहती है, किसी का क्रेडिट कार्ड हैक करके उसके ऊपर डाल देते, वही इन्फॉर्मेशन से लोग सामान खरीद लेते। तो वैसा लोग सब सामान खरीद लेते यूसी पास वो सब और आपको बेच डालते। अभी आपको बेचेंगे, आपको लगेगा यार 2000 में मिल गया मेरे को 10000 की चीज़, तो मैं तो मस्त हो गया। लेकिन जब पुलिस बाद में इसके ऊपर रिसर्च करेगी कि किसका क्रेडिट कार्ड हुआ था और वो इंडिया का ही होगा, आपके एरिया का ही होगा, अगर आप उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये भाई को यूसी मिला है उसकी वजह से, ये क्रेडिट कार्ड पे इसने यूसी खरीदा है, गए आप, आपकी वाट लग गई, सीधा जेल हो जाएगी आपको और कुछ नहीं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, ये तो मैंने आप लोग को एक एग्जाम्पल दिया। अगर आप लोग को बहुत शौक है डार्क वेब का जाने का तो मतलब आपको जेल हो जाएगी, इसलिए हम नहीं जाना। और कैसा होता है, मतलब डार्क वेब है ना बहुत डेंजरस रहता है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि है ना, एक स्टोरी मैंने पढ़ा था, ये मालूम नहीं रियल है कि नहीं, अभी है एक लग्जरी ऑफ कुछ है समथिंग ऐसा यूट्यूब चैनल है, और लोग उस पर ही बनाते डार्क वेब पे, लोग डार्क वेब पे चीज़ें मंगाते। लेकिन है ना ये रियल स्टोरी है, इसके अंदर एक मच्छी थी, वो मच्छी है ना बहुत रेयर होती है, जैसे पिराना के साथ लोग को खा जाती है वैसे ही पिराना टाइप ही थी ये मच्छी, बहुत रेयर होती है, किधर भी नहीं मिलती है। तो उसने ये डार्क वेब पे ना उसके दोस्त ने बोला कि मिल रही है मेरे को, क्या मंगा लूँ मैं, इतने इतने डॉलर की है, मैं एक्स्ट्रा लूँगा पैसे। उसने बोला ठीक है मंगा ले, उसने मंगाया ना घर पे, कहते थे वो इतनी ब्यूटीफुल दिखती थी फिश के लोग उसको घर में आके देखते थे। थोड़े दिन हुआ, 7-8 दिन हुआ, 8वें दिन में बोलते हैं वो सीसीटीवी कैमरा लगेला था उसके घर में, क्योंकि अमीर आदमी था, मच्छी इतनी महंगी थी, सोच लो महंगी मच्छी खरीद लिया तो कितना अमीर होएगा वो। तो उसके घर में उसने सीसीटीवी कैमरे फुटेज में देखा कि वो मच्छी उसके बेड तक चल के आई और फिर वापस से पानी में चले गई। वो इतना डर गया था कि उसने मच्छी को किधर रख दिया, फेंक दिया, क्या मालूम क्या किया, लेकिन उसके बाद से वो मच्छी किधर दिखी नहीं है। इसको कैसा यूज़ करते हैं, इसको एक्चुअली ना आपको बहुत बड़ा है ना वीपीएन खरीदना पड़ेगा, उसके बाद है ना वो खरीद के आपको ऑनियन ब्राउजर पे जाना पड़ेगा। ऐसा आप गूगल पे लिख देंगे कि मेरे को डार्क वेब पे जाना तो नहीं जा सकते, बहुत रेडिट या तो फिर है ना 4chan की वेबसाइट से आप जा सकते हो, लेकिन जैसे ही आप जाएंगे ना तो आपको लिखे लगेगा योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट इट, मतलब कोई भी इंटरनेट पे आपको जाने ही नहीं देगा, सब जगह ब्लॉक रहता है। हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ब्लॉक होएगा, आप ना वाईफाई के थ्रू जा सकते हो ना आप आपके जियो वियो के थ्रू जा सकते हो, तो आप सोचना भी नहीं आप जाने की। सेकंड चीज़ मेरे को बताना है कि जब भी आप चले जाते हो तो आपको मालूम नहीं होता है, और डार्क वेब इतना डेंजरस है कि अगर आप फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, आईपैड जो भी चीज़ से आप जाएंगे ना उसका कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, और लोग आपको देख रहे होंगे, जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे वो सब रिकॉर्ड रख रहे होंगे, आपको देखते भी है। फिर कितने जन क्या करते हैं, मतलब वो कैमरा ऑन ही रखवा देते हैं। अभी फिर आप कुछ भी काम करो, आपका बिजनेस काम करो या कुछ भी काम करो, उसकी वजह से वो कैमरे से लोग रिकॉर्ड करके आपको ही फुटेज भेजेंगे, बोलेंगे आपके फैमिली वाले को भेज दे हुए ये सब चीज़ें। अगर आप बोलेंगे नहीं यार, आपको डर लगने लगेगा,
आप बोलेंगे नहीं, नहीं तो लोग बोलेंगे कि भाई इतने इतने बिटकॉइन भेज दो, इतने इतने ये करेंसी इथेरियम भेज दो, अगर आप भेजेंगे तो ही हम लोग आपको छोड़ेंगे, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अभी आप पूछ रहे कि फुकन बिटकॉइन इथेरियम क्या है, तो बिटकॉइन इथेरियम करेंसी होती है, बिटकॉइन मतलब ये ब्लॉकचेन करेंसी होती है, उसको ट्रैक कोई नहीं कर सकता है, तो लोग ऐसा मांगते क्योंकि उन लोग को ट्रैक नहीं हो गए, और अगर आप दे देंगे उन लोग को तो फिर उन लोग बोलेंगे ठीक है, अगर आप नहीं देंगे तो लोग आपको सबको बेच देंगे। इसके ऊपर एक टीवी शो भी आया था, उसका नाम था ब्लैक मिरर्स का एक एपिसोड था, उसके अंदर बहुत डेंजर इसके बारे में ही बताया, मैं आप लोग को बताऊँगा इसके ऊपर आएगा वो नाम, अगर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और दूसरा है ये कि अभी एक और एक शो आया था हाउ टू सेल ड्रग्स ऑनलाइन फास्ट, ये भी नेटफ्लिक्स का शो है, उसके ऊपर भी ये सब चीज़ें ही बताया गया। तो वही मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, इन शॉर्ट फॉर्म बोलना चाहता हूँ कि डार्क वेब पे तो आप जा नहीं सकते, मेरी गारंटी, लेकिन अगर आप चले गए तो उसमें से निकल जाओ, क्योंकि आपको ट्रैक करके लोग घर पे आके आपको मार भी सकते हो। उधर हमारे जैसे इंसान नहीं रहते, उधर ना क्रेजी लोग रहते, क्रेजी मतलब उन लोग को साइको लोग होते हैं ना, जो लोग को कुछ चाहिए होता है, उन लोग को करने का होता है, तो उन लोग वैसा सब कर सकते हैं। अभी उसके अंदर है ना कैसा होता है, अगर आपका आईडी या पासवर्ड कुछ हैक हो गया है या आपको मालूम पड़ा है कि हैक हो गया, सब चीज़ें वापस जाती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना आईडी पासवर्ड चेंज करा करो, जो भी वेबसाइट हैक हो गई होती है उन लोग बोलते हैं चेंज कर दो। क्यों चेंज कर दो, क्योंकि वो डार्क वेब वाले इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि जब वहाँ पर पहुँच जाता है तो हम इंसान जैसे ही वहाँ पर चले जाते हैं, हम ही आपका आईडी पासवर्ड यूज़ करके आपकी सब चीज़ें खरीद लेंगे और पुलिस हमें पकड़ लेगी, उन लोग को कुछ नहीं करेगी, तो ये इतना डेंजरस रहता है। बल्कि बड़े बड़े कंपनी जो रहती है, सोनी और एप्पल और ये सब, उन लोग को जाके बोलते हैं कि अगर आप हैक कर सकते कि आप लोग के फ़ोन को अगर हैक कर सकते तो लोग चेंजेस करे हुए, उन लोग को पैसे देते, हैकिंग करने के पैसे मिलते उन लोग को। तो यही थी डार्क वेब की कहानियाँ, बहुत डरावनी कहानियाँ भी आती है जिसके अंदर मैं आप लोग को बाद में कवर करूँगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। अभी मेरे पास जितना टाइम है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, रात के 3 बज रहे, लिटरली 3 बज रहे, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं सो रहा था, मेरे को आइडिया आया कि ये वीडियो बनाना था, मैंने चल बना देता हूँ, क्योंकि कल सुबह बनाऊंगा तो टाइम नहीं है, एडिट करना रहता है, बहुत चीज़ें रहती है। तो अगर आप लोग को ऐसी और वीडियोज़ देखना है तो मेरे को बताओ, कमेंट करो नीचे, लिखो कि आपको क्या वीडियो देखना है, मैं 100% बनाऊंगा। अगर लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाया तो शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, नो प्रॉब्लम। और जो भी वीडियोस बनाता हूँ उसके अंदर आपको प्रूफ चाहिए होता है या कुछ भी चाहिए होता है तो मेरे टेलीग्राम पे मैं डालता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, या 7 News Furkan लिखेगा टेलीग्राम पे तो ग्रुप आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। नहीं अगर आप लोग को जो जो चीज़ मैं बना रहा हूँ जिससे वीडियो वो बाय करना था, अमेजोन के नीचे लिंक रहेगी, अमेजोन के बहुत सारे डिस्काउंट भी चल रहे हैं, जैसा गणेश चतुर्थी चल रहा है, दिवाली आने वाले, क्रिसमस आने वाले, उसके अंदर बहुत डिस्काउंट्स रहते हैं, तो आप सस्ते में खरीद सकते हो, सब ऑफिशियल है, कुछ भी ऐसा ब्लैक वेब का नहीं, डार्क वेब का नहीं। और आप लोग को है ना मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे मेरे रिगार्डिंग, आपको कुछ पूछना है, कुछ करना है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर पर मैं ज़्यादा रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि ट्विटर पे इतने फॉलोवर्स नहीं है, तो जैसे ही मैसेज आता है मेरे को समझ आ जाता है। इंस्टाग्राम का DM मेरा चल रहा नहीं, फिक्सिंग पे हो, स्नैपचैट का चलता है, मैं रिप्लाई देता हूँ जिन लोग के भी मैसेज दिखते हैं उन लोग के। तो एंजॉय करो और डार्क वेब पे कभी नहीं जाना।